भैया हम तो ये चाहते हैं कि जो भारतीय पेठा उद्योग है, जो अपनी एक पहचान रखता है और आगरा से विशेष इसका नाता है, और पेठा और ताजमहल आज एक दूसरे के पूरक है, तो पेठा जो व्यवसाय है ये विश्व धरोहर रही अभी एक तरह की, क्योंकि ये भारतीय मिठाई होने का भी दावा रखता है। और ये कुष्मांडा फल से बनता है, जिसको हिंदी में पेठा बोलते हैं, और इसकी अपनी एक बहुत पहचान रही है। हजारों साल तक केवल इसको आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता था, और हमारे इसको धार्मिक अनुष्ठान में भी इसका बहुत महत्व है, तो इसकी एक बहुत विशेषता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बजट में इसको कर मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, और एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, और दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का भी के साथ साथ ये बहुत ही एनर्जिक और पौष्टिक आहार जो गरीबों के लिए होता है, ये उसमें भी हमारे लिए बहुत कारगर रहता है। तो इसलिए इसकी एक विशेष महत्व है, और इसके व्यापार को सरकारों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स जिसको हम पेठा बोलते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप से ये पूरे विश्व पटल पर इसकी ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। वैसे तो हमारा पेठा व्यवसाय खूब फल फूल रहा था, मगर आगरा में टीडी जेड आने के कारण ये कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो गया है, और यहाँ से धीरे धीरे ये जो हमारे पेठे के कारखाने हैं ये पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अब टीडी जेड लागू होने से कोला बंद हो गया और सब्सिडी की गैस हमें नहीं मिली है। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से व्यवसायों को आगरे के विस्थापित करने के लिए सब्सिडी ही गैस मुहैया कराने के आदेश दिए थे, मगर पेठा उद्योग को अभी तक सब्सिडी ही गैस नहीं मिली है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसको सब्सिडी की गैस जब अन्य उद्योगों को मिल रही है, तो पेठा उद्योगों को भी सब्सिडी की गैस मिलनी चाहिए, जिससे कि इसके व्यापार में चार चांद से लग सकें। पेठा जो है कच्चे फल से बनता है, और ये आयुर्वेदिक के रूप में लिया जाता है, इसे औषधि के रूप में भी लिया जाता था पहले, अब ये बहुत मिठाई के रूप में ली जाए पेठे को, जो शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, गरीब मध्यम वर्गी को भी खरीद सकता है इस पेठे को। सरकार को चाहिए कि इसके कर मुक्त किया जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग के जो लेने वाले हैं उनको बेनिफिट मिले, और ये गैस है, गैस में भी सब्सिडी में छूट दी जाए। और मैं तो यही चाहूँगा कि इनको करे, यहाँ से जितनी पलायन हो गई हैं इसी कारण हो गई, दोबारा से बसे पेठा उद्योग आगे बढ़े, जिससे भारत सरकार को भी लाभ। मैं तो ये चाहता हूँ कि पेठा एक देखिए गरीबों की मिठाई है, और इसको किसान बड़ा उससे उगाता है, और भाई औरों के लिए तो खैर जो रही अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो साहब बहुत मिठाइयाँ आई है, लेकिन ये गरीबों की मिठाई है। इस पे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये GST वगैरह जो भी है इस पे बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, और ये आम आदमी की पकड़ में आना चाहिए। भाई एक ऐसी मिठाई है जो शुद्ध बनती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, कुछ नहीं होती, ये आम आदमी तक इसकी इससे बहुत लोग जुड़े, किसान इससे बहुत उम्मीद करता है, क्योंकि किसान उगाता है उसको, उसके बराबर उसका दाम वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि उस पर ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसकी बनाने में इतनी लागत आती है, तो इसको एक और इस पर एक सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे किसी भी प्रकार की मतलब आराम से आदमी की पकड़ में जी आ सके।